सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू अनदर न्यू वीडियो। और ये वाला वीडियो में जो है आपको काफ़ी अच्छे अटैक्स देखने को मिलेंगे डॉन प्रशांत के। तो हम सीधा अटैक्स से स्टार्ट करते हैं। और प्रशांत अभी 5700 के ऊपर है, अच्छे खासे ट्रॉफीज पे। और यहाँ पे जो है पहला अटैक आते हुए, और ये सुपर बॉलर स्मैश है जिसमें दो इलेक्ट्रो टाइटन यूज़ हो रहा है। अभी सबसे ज़्यादा फेमस आर्मी है यही, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने भी कल से स्टार्ट किया है, कल जो भी स्ट्रीम पे आया था फ्रेंडली वॉर्स में मैंने भी कुछ अटैक्स किए थे, और अभी मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बट यहाँ पे कुछ अटैक्स देखेंगे जो ऑलरेडी काफ़ी परफेक्ट है, तो इससे मुझे भी थोड़ा सीखने को मिलेगा। साथ में जो साथ में जो वीडियो में लोग आएंगे उन्हें भी थोड़ा सीखने को मिलेगा। तो यहाँ से जो है वार्डन वॉक स्टार्ट हो चुका है, और साथ में यहाँ पे आ गया फ्लेम फ्लिंगर अपोजिट साइड से। अब देखते हैं वार्डन से ईगल तक जाया जाएगा या नहीं, क्योंकि ईगल रीचेबल है, पर टाइम मेरे को लगता है भाई फिर 1.5 मिनट रह जाएगा बस अटैक में। अगर नहीं, अभी वार्डन ईगल पे चला जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो, उसके बाद आर्चर टावर, फिर ईगल पे फ्लेम फ्लिंगर दूसरे साइड से, अच्छा खासा वैल्यू कवर कर रहा है। साथ में अब फनल बन गया है, ये पूरा साइड क्लियर हो गया। सुपर बॉलर्स सीधा जो है यहाँ से आएंगे। नाइस, देख लो अभी रेंज से बाहर है मोनोलिथ के वार्डन, और यहाँ पे ईगल आर्टिलरी जो है वो डाउन हो जाएगा। किंग फॉर फनल, क्वीन आ गई है, इस कोलेम यहाँ पे आ चुका है, इलेक्ट्रो टाइटन आ गए हैं, और सुपर बॉलर्स आ चुका है, और किंग ने यहाँ पे फनल बना दिया है। यहाँ पे वॉल ब्रेकर देख लो, काफ़ी सही जा रहा है, और यहाँ पे उसने सारे वॉल ब्रेकर यूज़ कर लिए, बिकॉज इसके बाद सीधा यहाँ पे जंप आएगा और सब कुछ जाएगा टाउन हॉल पे। देख लो नेक्स्ट वॉल भी ब्रेक हो गया, यहाँ पे पॉइजन आ चुका है, पॉइजन टावर का पॉइजन, यहाँ पे मोनली टाउन हो जाएगा। वार्डन एबिलिटी आ गया है, यहाँ पे जंप आया, किंग की एबिलिटी अभी बची हुई है। अब यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा फास्ट कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे टाउन हॉल काफ़ी लेट अब डाउन हुआ जाके। ओके, और वहाँ से जो है येटीज आ चुके हैं सीसी के, क्वीन एबिलिटी आ गई है, क्वीन यहाँ पे मर जाएगी मे बी। एक फ्रीज है, आरसी है, और स्केल्टन स्पेल जो था वो यहाँ पे यूज़ कर लिया गया। यहाँ पे बेबी ड्रैगन आ गया, और देख सकते हो एक फ्रीज था यहाँ पे, तो काफ़ी सही अटैक था, फर्स्ट अटैक था। अभी हमें बहुत सारे रिप्लेस कवर करने इस वीडियो में, और बहुत सारे आप अटैक्स देखोगे भाई, अब ट्रिपल तो बहुत कम होते हैं TH15 पे, देख लो 5700 के ऊपर है वो। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे रिप्ले जो हुआ था, शायद मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, एंड में आपको पता चलना चाहिए भाई कितना हुआ है, ट्रिपल हुआ है या, तो इस पे 98 हुआ था आई थिंक। और ये जो बेस है वो एक बॉक्स टाइप का बेस है, यहाँ से वार्डन वॉक इस पे स्टार्ट हुआ है, और टाउन हॉल के लिए शायद ब्लिम्प भेजा जाएगा भाई। डबल पॉइजन का देख लो कैसे वहाँ पर डबल पॉइजन है, यहाँ पर जो है अच्छा वहाँ से सीधा पहले, वही मुझे लगा टाउन हॉल बाहर है, तो यही सही था। और यहाँ पे टाउन हॉल डाउन हो जाएगा, और यहाँ पे आ चुका है वार्डन एबिलिटी, डबल पॉइजन कभी भी सुपर बॉलर्स पे आ सकते हैं या आ चुके हैं, ये देख सकते हो हीलर्स रेंज से थोड़ा सा बाहर लगता है, वरना डबल पॉइजन सर्वाइव नहीं कर पाता हीलर्स। तो क्वीन की एबिलिटी यहाँ पे जाएगी मे बी, हाँ ठीक है, सुपर बॉलर्स मर चुके हैं, बेस में उतना ज़्यादा कुछ बचा नहीं है यहाँ पे। इलेक्ट्रो टाइटन है, आरसी आ गया है, स्कैटर शॉट डाउन हुआ, और यहाँ से जो है फिर भी टेस्लास वगैरह देखना पड़ेगा कैसे डाउन हुआ, क्योंकि सिर्फ आरसी बचा है, अब देख सकते हो वो भी विदाउट एबिलिटी। अरे हाँ हाँ मैं भूल गया था, अटैक ट्रिपल नहीं होता है, तो यस एंड में शायद थोड़े बहुत चीज़ें रह गए थे इस पर। सो नाइस ट्राई, कोर इसका जो है सुपर बॉलर सर्वाइव नहीं किए, शायद हीलर्स सुपर बॉलर्स पे नहीं लगे थे। ओके, टाइम फेल होता है, ट्रिपल हो सकता था मे बी, हाँ देख लो इलेक्ट्रो टाइटन थे। तो ये था सेकेंड रिप्ले, चलते हैं थर्ड रिप्ले की तरफ। नेक्स्ट जो है एक ऐसा बेस है, तो ये काफ़ी फेमस बेस है, ये जो है जब शायद TH15 आया था ना, तो उसके बाद से बहुत ज़्यादा चल रहा था, और अभी भी लेजेंड लीग में कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे देख सकते हो। ओके भाई, इस पर क्वीन चार्ज किया गया है, और इस पर वैल्यू यहाँ पे शायद यहाँ पे जो है ईगल आर्टिलरी डाउन होगा,
यस तो सही था भाई, मैं भी यही कर रहा था कल। फ्रेंडली वॉर्स में काफ़ी आसान हो जाता है अगर साथ में ऐसे ईगल या उसके साथ एक इन्फर्नो स्कैटर शॉट मिले, देन एक साइड से आप क्वीन चार्ज करो, दूसरे साइड से फनल बनाओ, टाउन हॉल पे ट्रूप्स भेजो। यहाँ पे देख सकते हो ईगल डाउन हो चुका है, अब यहाँ पे फनल क्रिएट किया जा रहा है, एक्सबो को जो है बलून जाके डाउन कर देगा ये बहुत ही ज़्यादा, और साथ में बेबी ड्रैगन भी। तो भाई ये एक तरह से मैं बोलूँगा कि काफ़ी ज़्यादा लकी, क्योंकि बीच में कुछ भी आ सकता है, ट्रैप्स वगैरह भी नहीं रखा था उसने वहाँ पे, और एक्सबो डाउन हो गया, साथ में अब क्वीन जो है टाउन की तरफ ही जाएगी। भाई बहुत सही अटैक जा रहा है यहाँ पे अभी तक, और किंग जो है साइड से फनल क्रिएट कर देगा। वार्डन एबिलिटी यहाँ पे दिया नहीं गया है, वार्डन एबिलिटी यहाँ पे फोर्स हो गया है, तो देख लो कुछ चीज़ें सही बहुत जा रही थी तो उसमें से एक चीज़ जो है गलत हो गया है। अब यहाँ पे जो है मोनलिथ को फ्रीज किया जाएगा, यहाँ पे नहीं मोनलिथ को फ्रीज नहीं किया गया है, ओके टाउनल को फ्रीज किया गया है, अभी भी एक फ्रीज है। यहाँ पे स्केल्टन ट्रैप आ गया है क्वीन को, और भाई बेस में कुछ रह नहीं गया है, क्वीन एबिलिटी है और आरसी की एबिलिटी है, एक स्कैटर और एक स्पो बचा है बस, जिसको ये दो एबिलिटीज़ में तो इजीली ख़त्म किया जा सकता है यहाँ पे देख लो। सो ये भी काफ़ी सही अटैक था, ये आज का थर्ड रिप्ले है। चलते हैं नेक्स्ट रिप्ले की तरफ, जितने मैक्सिमम रिप्ले इसमें कवर कर पाऊँगा और वो मेरे लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि जो है मेरे को भी थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा इससे। ठीक है, ये वाले अटैक में जो है देखते हो वार्डन वॉक कहाँ से स्टार्ट हुआ था, या फिर इस पे वार्डन वॉक ही हुआ रहेगा। यहाँ पे से देख सकते हो भाई वहाँ पे दो टेस्ला रखा था उसने, नाइस। यहाँ से जो है फ्लेम फ्लिंगर दूसरे साइड से स्टार्ट किया गया है, और अभी तक जो है फ्लेम फ्लिंगर को कोई टारगेट नहीं कर रहा है। मोर्टार वगैरह, मोर्टार शायद था वहाँ पे, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो एक साइड से वार्डन वॉक से फनल, दूसरे साइड से जो है फ्लेम फ्लिंगर से फनल, यहाँ पे तो वॉल ऐसे ही ओपन हो गया है विदाउट वॉल ब्रेकर्स, और देख सकते हो अब सारे के सारे ट्रूप्स बेस के बीच में जा रहे हैं, पॉइजन टावर आ चुका है यहाँ पे, वार्डन बाहर घूम रहा है, वॉल ब्रेकर गलत गया क्योंकि वॉल तो सब उधर ऑलरेडी ओपन हो गया, इनविजिबल टावर था इसमें। यहाँ पे वार्डन एबिलिटी आ गया है, नाइस। यहाँ पे रेज आ गया है और यहाँ पे टाउन डाउन हो जाएगा। भाई ये अटैक काफ़ी सही था, देख लो फिर भी सर दो टेस्लास बाजू में थे, बट वो इतने देर बाद वहाँ से निकले हैं। ठीक है, किंग एबिलिटी आ गया है, वार्डन एबिलिटी बहुत सही टाइम पे था, क्योंकि सारे के सारे एक एक ट्रूप्स अगर कवर हो आपके तो समझो समझो गीगा पॉइजन का पॉइजन बाद में आता है, फिर भी इतने ट्रूप्स थे, मेन किंग एबिलिटी भी बच गई थी, तो ये बेस ओवर पावर हो गया यहाँ पे। आरसी एबिलिटी अभी भी बची है, वरना कभी कभी पूरा अटैक कोलैप्स कर जाता है अगर आप अर्ली वार्डन एबिलिटी दो, उसके बाद आपके पास किंग एबिलिटी ना हो या आप क्वीन एबिलिटी गवा चुके हो, तो भाई वो ऑलरेडी फेल हो जाता है अटैक यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं मिल्स के ऊपर, ये बेस जो है काफ़ी फेमस बेस है, इस पर कल इस पर आज मैंने भी अटैक किया था, यहाँ पे देखते हैं प्रशांत ने कैसे अटैक किया था इस पर। वो अपोजिट साइड से फ्लेम फ्लिंगर यूज़ कर रहा है और इधर से क्वीन चार्ज कर रहा है इस पर, सीसी से निकला है इलेक्ट्रो टाइटन और आइस गोलेम देख सकते हो। इलेक्ट्रो टाइटन उतना ज़्यादा अभी ज़्यादातर ना सीसी में इलेक्ट्रो टाइटन ही ले रहे लोग, जिससे क्वीन को उतना ज़्यादा खतरा नहीं है, वो अच्छी बात है। और अपना जो सुपर मिनियन और रॉकेट लून वाला सीसी है वो हायर लेजेंड में कम देखने को मिल रहा है अपने को अभी। यहाँ पे रेज आ चुका है, यहाँ पे एक और वॉल ब्रेक, पॉइजन टावर कभी भी क्वीन पे या फिर बलून पे गया, वाह भाई। नहीं नहीं क्वीन भी आ गई है लेकिन रेंज में, पर हीलर्स बच गए, वो सबसे मेन बात है। क्वीन पे डैमेज ही नहीं है भाई, यहाँ पे क्वीन पे बिल्कुल डैमेज नहीं है। अब यहाँ पे रेज दे दिया गया क्योंकि टाउन हॉल जल्दी डाउन करना पड़ेगा, और फ्लेम फ्लिंगर से अच्छा खासा वैल्यू मिल रहा है अपोजिट में। यहाँ पे जो है टाउन हॉल डाउन हो चुका है, अब यहाँ से किंग आ चुका है, यहाँ से आर्मी आ चुका है,
अरे नहीं, यहाँ पे क्वीन शायद, क्वीन पॉइजन में भी है, मोनोलिथ भी हिट कर रहा है शायद। अब वो क्वीन को मरने देगा यहाँ पे, मे बी, देख सकते हो। और हीलर्स अगर टाइम पे आर्मी पे स्विच कर जाए तो भाई बहुत सही होगा। और हीलर्स देख सकते हो, वार्डन एबिलिटी में भी हीलर्स आ गए। ये अटैक सही था, हीलर्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा लकी, क्योंकि सारे हीलर्स, एक भी नहीं मरा ब्लैक माइंस वगैरह में भी नहीं। और ये भी बहुत सही अटैक था। यहाँ पे अभी एक फ्रीज बच, दो फ्रीज बचा हुआ है, और एक जो है यहाँ पे, अरे इसका नाम मैं भूल गया, स्केल्टन ट्रैप बचा। यस, तो तीन स्पेल स्वैग इस बेस पे हुआ है। नाइस अटैक, सही था भाई ये। नेक्स्ट देखते हैं, मिल्स हो गया है। और ये जो बेस है, ये भी फेमस बेस है, इसका मोनोलिथ वगैरह लो है। ओके, यहाँ से जो है काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दे रखा था। दूसरी साइड से वार्डन, वार्डन वॉक स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पे जो है मल्टी डाउन हो जाएगा। उसके बाद डबल डबल यहाँ पे मोर्टार है, देखना पड़ेगा फिर वो कैसे डाउन होगा। यहाँ पे भाई आर्मी अटैक इधर से स्टार्ट हो गया, मुझे लगा कि यहाँ से अटैक आ रहा है। ओके, हमने मिस कर दिया थोड़ा, बट देख सकते हो अब सब कुछ यहाँ पे जो है टाउन की तरफ जाएगा। मे बी किंग, नहीं, ये अटैक थोड़ा गड़बड़ जा रहे हैं यहाँ से। तो सुपर बॉलर्स भी बाहर जा रहे हैं, नहीं अंदर आ गए। वार्डन एबिलिटी आ चुका है, सुपर बॉलर्स टाउन निकाल लेंगे शायद। क्वीन को थोड़ा फास्ट करते हैं। यस, सुपर वॉलर्स टाउन हॉल को डाउन करते हैं। किंग का एबिलिटी उधर से आ जाता है, वार्डन यहाँ पे है, और आरसी आ चुका है अब। यहाँ से जो है, यस भाई मेरे को नहीं लगाता है ट्रिपल हो सकता है, बट आरसी के पास अभी भी एबिलिटी है। इसमें चीज़ें थोड़ा स्प्रेड हो गई थी, बट अच्छी बात ये थी कि सुपर बॉलर्स जो है टाउन हॉल पे गए। अगर वो भी बाहर घूमते तो ये बहुत मुश्किल में अटैक आ सकता था। सो नाइस, ये था एक और अटैक। और ये देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 आवर अगो शेयर के ऊपर। और ओके ओके, वो भी देखते हैं। बीजी कुशल फ्रॉम नेपाल क्लैन, फास्ट करके देखते हैं जितने रिप्लेस मैं कवर कर पाऊँगा उतना करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वीन चार्ज इस पे स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पे देख सकते हो अगर ज़्यादा वैल्यू है तो आप ये चीज़ कर सकते हो। यहाँ पे मोनोलिथ देखते डाउन हुआ या नहीं, शायद हो जाएगा, मोनोलिथ डाउन हो चुका है यहाँ पे इजीली। और यस, ये चीज़ तो है, ये चीज़ मैंने ध्यान दिया कि आप हर बेस पे ऐसा अटैक कर सकते हो जिस पे वैल्यू काफ़ी ज़्यादा दे रखा है कहीं पे। देन एक साइड से बेस को ओपन करो, किंग के साथ फनल बनाओ। किंग हालांकि इसमें अंदर आ चुका है। अब यहाँ से जो है एक और वॉल ब्रेक हुआ है, और यहाँ पे अगर ट्रूप्स बाहर गया तो उसके लिए जंप है। नहीं, किंग अंदर आ गया है, नाइस। वार्डन एबिलिटी इसमें अभी भी है, वार्डन एबिलिटी अब आ चुकी है यहाँ पे। ट्रूप्स बाहर गया है, देख सकते हो। अगर किंग टाउन हॉल निकालने में सक्सेसफुल रहता है तो बहुत सही होगा। और देख सकते हो थोड़े के लिए एंड में टाउन ला जाता है। यहाँ से आरसी आ गया है, और जंप यूज़ कर लिया गया, देख सकते हो, बॉलर्स को वापस अंदर भेजने के लिए। क्वीन थोड़ा बाहर बिल्डिंग्स क्लियर करेगी, बट वो जंप लेके नहीं, वो बाहर ही घूम रही है। पर कोर साफ हो गया है, कोर में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। दो फ्रीज है, आरसी है, और वार्डन पे हीलर्स लगे हुए हैं, तो थोड़ा काम जो है वार्डन भी कर रहे हैं, फास्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक और फ्रीज आ गया, दूसरा फ्रीज आ गया, और एक और इजी ट्रिपल हो गया। भाई देखने में कितना इजी लग रहा है सब अटैक्स, बट सुपर बॉलर्स भी बहुत ही मुश्किल है। और मेन इशू आता है यार, मोस्ट ऑफ द टाइम आप वार्डन वॉक कर रहे हो, वार्डन वॉक अच्छा जा रहा है, और दूसरे टाइम, दूसरे सेकंड देखोगे तो टाइम भाई बहुत कम रह जाता है, तो टाइम फेल बहुत होते हैं। अब एक कुछ अलग बेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, देख सकते हो। यहाँ से क्वीन चार स्टार्ट हुआ है, डबल पॉइजन में वॉल ब्रेक तो भाई शायद नहीं होगा इस पे। ओके,
कि यहाँ से सुपर बॉलर्स आ चुके हैं। क्वीन एबिलिटीज पे चली गई है, टाउन हॉल के लिए आ गया है ब्लिम्प, टाउन हॉल यहाँ पर डाउन हो जाएगा। वार्डन एबिलिटी आ चुका है, टाउन हॉल के साथ जो है बाकी बहुत कुछ ऊपरा कोर ही क्लियर कर दिया येट्टी ने। यहाँ पे सुपर बॉलर्स आ गए हैं, आरसी भाई सारा डैमेज जो है ना इसी पार्ट में था, इस बेस के पहले दो कंपार्टमेंट तीन कंपार्टमेंट में, और वो जो है काफ़ी अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर लिया गया था। और यहाँ पे एक फ्रीज भी एंड में स्वैग होते हुए एक तरह से। अब इसके बाद मैं शायद ये आखिरी अटैक कवर करूँ क्योंकि और भी बहुत सारे प्लेस हैं, या फिर सब देख सकते। रुको एक मिनट रुक जाओ, के ग्रीन टी हो गया, ठीक है चार पांच और रिप्ले है, जल्दी जल्दी देखते हैं। नेक्स्ट जो है द किंग, ये बेबी के क्लैन से एक बॉक्स टाइप का बेस है। वार्डन वॉक अपोजिट से किया गया, इस पर दूसरे साइड से शायद यहाँ पे जो है किंग आएगा, बीच में आर्मी आ जाएगा। बट इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ता है कि गलती से इधर एक दो बलून्स ना डाल दो वरना सीसी पहले ही निकल जाएगा। नहीं, किंग का भी यहीं पे यूज़ किया गया है तो साइड में क्या जाएगा, साइड का वॉल क्यों ब्रेक किया गया है देख सकते हो। एक सुपर बॉलर बाहर जा रहा है और वो जो है बाहर के बिल्डिंग्स क्लियर कर देगा, बाकी सब कुछ है इसमें अंदर जा रहा है बेस में। पॉइजन टावर रिलीज हो चुका है, आरसी को यहाँ पे मार दिया जाएगा इनेमी के। क्वीन बाहर घूम रही है, जंप आ गया है यहाँ पे, फ्रीज है हाथ में दो टाउन हॉल के लिए, नाइस नाइस। आरसी की एबिलिटी जा चुकी है, टाउन हॉल फ्रीज किया जाएगा और एक रेज भी था तो ये भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक। एंड ये एक और ट्रिपल, ओके सो देख सकते हो क्वीन एबिलिटी एंड में बची थी और बचे हुए दो तीन अटैक हैं वो भी देखते हैं। ओके गाइस, सो वन ऑफ द फाइनल थ्री रिप्लेस, ये जो है एक देख सकते हो बहुत फेमस बेस है और ये आजकल चल रहा है लेजेंड लीग में, और इस पे देखते हैं कैसा अटैक किया गया है। मुझे भी ये मिल रहा है काफ़ी, तो मेरे भी काम का रिप्ले है। यहाँ से वार्डन वॉक किया गया है शायद ईगल आर्टिलर के लिए, और ये बेस सेम नहीं है, बहुत सारे अभी जो है चेंजेस कर रहे लोग जैसे जैसे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे वार्डन वॉक स्टार्ट किया गया है ईगल के लिए, दूसरी साइड से फ्लेम फ्लिंगर भी अच्छा खासा वैल्यू यहाँ पे ले रहा है। अगर स्कैटर शॉट ले लेना फ्लेम फिंगर तो भाई काम हो जाएगा देख सकते हो। और वहाँ पे दो आर्चर भी आ गए हैं साथ में बिल्डिंग्स भी थोड़ा क्लियर करने के लिए, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। यहाँ से शायद से ईगल आर्टिलरी डाउन नहीं हो पाएगा, देख नहीं हो जाता है, नाइस। मुझे लगा भी वो इसको टारगेट करेगा बट ईगल को किया उसने वार्डन ने। और भाई मैं बोल रहा था स्कैटर शॉट की बात कर रहा था, यहाँ पे स्कैटर शॉट के साथ जो है मल्टी इन्फर्नो भी डाउन हो जाता है। अब सब कुछ जो है, सब कुछ तो नहीं बट टाउन हॉल पे कुछ तो गया है और टाउन हॉल इनविजिबल हो गया है अब, पर वापस विजिबल यहाँ पे हुआ और शायद टाइम फेल हो सकता है क्योंकि यहाँ से तो लग रहा है कि सब कुछ सही जा रहा है अटैक में। क्वीन एबिलिटी आ गई यहाँ पे और एक्सबो भी जो है डाउन हो चुका है, तो भाई बहुत सही अटैक था, नाइस 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 अटैक। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कैसा बेस था। ये जो बेस है एक रिंग टाइप का बेस है और बहुत ज़्यादा मतलब मोस्टली बेस कवर किया है देख सकते हो, एक दो टाइल्स बचा है बस बाहर में, तो यहाँ पे बिल्डिंग्स में गैप काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर कॉम्पैक्ट बेस रहे ना तो उसमें क्या रहता है कि आप अगर क्वीन चार्ज कर रहे हो तो डैमेज काफ़ी ज़्यादा आने का चांसेस रहता है। वे थोड़ा स्प्रेड है रिंग टाइप में तो डिफेंसेस इसमें थोड़े थोड़े दूर दूर रखे उसने देख सकते हो, और तो इस पर क्वीन चार्ज ही किया है प्रशांत ने यहाँ पे, और ईगल आर्टिलरी डाउन हो जाएगा यहाँ से, और उसने सिलेक्ट कर रखा है सीज बैरिक को। तो देखते हैं कहाँ से अटैक स्टार्ट होने वाला है, मे बी यहाँ से सीज बैरिक आएगा, यहाँ से वॉल ब्रेक करके आर्मी आएगा, नहीं क्वीन जहाँ जाएगी वहीं से आएगा, तो क्वीन यहाँ पे आई है, यहाँ से सीज बैरिक्स आ गया है।
और वॉल ब्रेक होगा यहाँ पे, आर्मी आएगा, पॉइजन टावर आ चुका है। नाइस नाइस भाई, ये भी सही प्लान था एकदम। यहाँ से क्वीन एबिलिटी जा चुकी है, बट क्वीन वार्डन के साथ सर्वाइव कर जाएगी। टाउन हॉल देख सकते हो, क्वीन ने डाउन किया है और फुल हेल्थ पे आ गई। अब यहाँ पे क्वीन को मरने दिया जाएगा, हीलर्स भी मर गए हैं, पर ये अटैक काफ़ी अच्छा था। तो एंड में रिजल्ट भी आप देख सकते हो, क्वीन हीलर्स मरने के बाद भी जो है पूरे आर्मी ने बेस ख़त्म कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं रिप्ले, ये आखिरी होगा आज का, उसके बाद वाला हम देख चुके हैं। तो सैमी फ्रॉम क्वांटम्स वेव, थोड़ा फास्ट करते हैं, और ये बेस देख सकते हो थोड़ा अलग है। यहाँ पे क्वीन चार्ज किया गया है, और वैल्यू देख लो, मैं हर बार वही बोल रहा हूँ, अगर ऐसा देख दिखे आपको सेटअप तो आपको क्वीन चार्ज स्टार्ट करना है उस साइड से। और मेक श्योर कि भाई एक बलून, दो बलून ड्रॉप करो जो कि एटलीस्ट यहाँ तक आ जाए। शायद इस पे भाई, इस पे शायद ब्लिंप नहीं भेजा जाएगा, सीधा क्वीन से जो है। ओके 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 भाई, इस पे ब्लिंप नहीं भेजा गया, सीज बैरक यूज़ किया गया है, तो ये भी कर सकते हो, सही था ये। क्योंकि टाउन हॉल के यहाँ पे भाई मस्त सा फनल बन रहा है, और टीएच और ईगल दोनों साथ में डाउन हो गए यहाँ पे। वार्डन एबिलिटी आ चुका है, मोनलिथ डाउन हो गया है, क्वीन मुझे दिख नहीं रही, शायद क्वीन ख़त्म हो गई है। नहीं, क्वीन देख लो वहाँ से, हाँ यहाँ से वहाँ ही करते रहती है बेस में। ईगल डाउन हो जाएगा यहाँ पे, आरसी है, फ्रीज आ गया, क्वीन फुल हेल्थ पे आ गई है, और एंड में बेस में सिर्फ वार्डन बचा है जो क्वीन को थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। तो ये था सारे अटैक्स, और आई होप जो है ये आपको भी हेल्प करेगा, प्लस मुझे भी थोड़ा बहुत। और इसके साथ जो है भाई वीडियो एंड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, अगर आपको ये रिप्लेस अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को शेयर करना। और कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे लेजेंड लीग में अभी कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी है, क्या यूज़ करना चाहिए। तो इतने सारे रिप्लेस है भाई कि आपको ज़रूर इन सब से कुछ ना कुछ जो है आपको सीखने को मिलेगा। TH15s की बात कर रहा हूँ, अभी मैं स्ट्रीम कर रहा था TH15 अटैक्स, तब काफ़ी लोग आ रहे थे TH15 के। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो और शेयर करो दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।